संभल 19 नवंबर से पहले मामूल पर था। 24 नवंबर को सुबह सवेरे सरेराह फायरिंग, आंसू गैस के गोले, रबर पैलेट गन की आवाजें, पत्थरों की सनसनाहट और भगदड़ में छूटी चप्पलें, चार मुस्लिम नौजवानों की मौत जैसे खौफनाक मंजर का गवाह बन गया। ये तस्वीरें 500 साल पुरानी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द की है। इसी मस्जिद पर 19 नवंबर को अचानक दावा किया गया कि ये श्री हरिहर मंदिर है। उसी दिन जिला अदालत में अर्जी दाखिल हुआ, उसी दिन सुनवाई हुई, उसी दिन अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया और उसी दिन सर्वे हो गया। कोर्ट का ऑर्डर गलत है। कोर्ट एक तरफा कैसे सुनेगा जहां पर सालों से, बरसों से, सदियों से एक मस्जिद आबाद है और अचानक कोई उसी दिन केस डालता है और कोर्ट उसी दिन ऑर्डर दे देता है। ये कोई बताइए, कोई पंचायत बैठ रही है, कोर्ट बैठ रहा है? कोर्ट को तो चाहिए था कि दूसरे पक्ष को सुनते। आपने ऑर्डर भी दिया, उसी दिन शाम में आप सर्वे भी करा दिए। अदालत की सुनवाई, सर्वे टीम की तेजी और प्रशासन की मुस्तैदी देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस तेजी तक तो फिर भी ठीक था, हालात में तनाव था लेकिन बवाल नहीं। 24 नवंबर को फिर सुबह सुबह सर्वे टीम जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिद पहुंची। लोगों का इल्जाम है कि बिना किसी जानकारी के सर्वे टीम मस्जिद पहुंची थी। लोगों में तशवीश हुई, बाहर अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। मस्जिद कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली ने लोगों से अमन की अपील की, लेकिन बाहर आग भड़क गई। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ मुसलमान। ये बवाल जब थमा तो मौत की खबर आने लगी। शाम होते होते पता चला कि चार मुस्लिम नौजवान मारे गए हैं। चश्मदीद बताते हैं कि पुलिस ऐसे फायरिंग कर रही थी जैसे हम दुश्मन हो। लोगों में डर है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस के आला अफसरान मौके पर गालियां और धमकियां दे रहे थे।